स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ध्रुवी पटेल, टीचर ऑफ श्री विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी विल लर्न अबाउट हिंदी सब्जेक्ट, यूनिट नंबर 7, स्टैंडर्ड 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 7 कौन सा है? तो दीपावली। दीपावली क्या है? तो त्यौहार है हिंदुओं का। ओके, यहाँ पे पहले क्या दिया गया है? शब्दार्थ। तो हमें क्या करना है? पहले शब्दार्थ पढ़ने हैं। दीपावली, दीपावली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिवाली। क्या कहते हैं? दिवाली। ओके, दिवाली मीन्स दीपावली। फिर सब, सब यानी कि ऑल, ऑल यानी कि सब। ओके, पटाखे, पटाखे को क्या कहते हैं? क्रैकर्स। तो क्रैकर्स मीन्स पटाखे। फिर रोशनी, रोशनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। तो लाइट मीन्स रोशनी। त्यौहार, त्यौहार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फेस्टिवल। तो फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। ओके, फिर क्या है? दरवाज़ा, दरवाज़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोर। डोर मीन्स दरवाज़ा। फिर है तोरण, तो फेस्टन, फेस्टन मीन्स तोरण। ओके, यहाँ पे दिवाली, दीपावली का चित्र दिया गया है कि हम लोग दीपावली यानी दिवाली के त्यौहार में क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो रंगोली बनाते हैं, पटाखे जलाते हैं और दिए भी जलाते हैं। रात को हम दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। ओके, तो दीपावली का त्यौहार बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या कहा है? आज दीपावली है, सब लोग बहुत खुश है। तो यहाँ पे कहा है कि आज दीपावली है, दिवाली है, तो सब लोग बहुत खुश है क्योंकि दिवाली है। सबने नए कपड़े पहने हैं, तो दीपावली, दीपावली त्यौहार है। तो त्यौहार के दिन सब लोग क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। तो सब लोगों ने नए कपड़े पहने हैं। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। दीपावली यानी दिवाली एक त्यौहार हुआ, एक त्यौहार है, इसलिए सब लोगों ने अपने दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। सबके घर पर साफ सुथरे हैं। तो त्यौहार होने के कारण सबके घर कैसे हैं? साफ सुथरे, अच्छे दिखते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आगे हमने चित्र में देखा ना, बच्चे क्या कर रहे हैं? पटाखे जला रहे हैं, फोड़ रहे हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। तो आगे हमने चित्र में देखा ना कि दिए जलाए हुए हैं, इसलिए सब जगह क्या है? रोशनी ही रोशनी है। दीपावली त्योहारों की रानी है। तो त्योहारों में सबसे अच्छा त्यौहार दीपावली है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? त्योहारों की रानी। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो दीपावली के दिन क्या होता है? धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दीपावली का दूसरा नाम क्या है? दिवाली। ओके, दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। तो दीपावली किस मास में आती है? आश्विन मास में। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या दिया गया है? स्वाध्याय। यहाँ क्या कहा है? निम्नलिखित हिंदी नाम के सामने अंग्रेजी नाम लिखे। तो यहाँ हमें हिंदी नाम दिए गए हैं और उसका हमें अंग्रेजी नाम लिखना है। तो दीपावली, दीपावली को क्या कहते हैं? तो दिवाली, DIWALI, दिवाली। दिवाली मीन्स दीपावली। सब, सब मीन्स ऑल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल, ALL, ऑल, ऑल मीन्स सब। दरवाज़ा, दरवाज़ा को क्या कहते हैं? डोर, DOOR, डोर। तोरण, तोरण को क्या कहते हैं? फेस्टून, FESTOON, फेस्टून मीन्स तोरण। पटाखे, पटाखे को क्या कहते हैं? क्रैकर्स। त्यौहार, त्यौहार को क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स। ओके, फिर है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसका हमें सही आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, पहला है, आज सब लोग क्यों बहुत खुश हैं? तो ये हमारे दिमाग में है कि हमने किस ये वाले यूनिट में किसके बारे में सीखा, तो दीपावली के बारे में। तो दीपावली का त्यौहार है इसलिए सब लोग खुश है। दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नए। तो क्या आंसर आएगा? दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो हमने पढ़ा ना, दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी देवी की पूजा होती है। ओके, फिर क्या कहा है? कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है और हमें सही आंसर लिख के खाली जगह भरनी है। लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर खाली जगह बांधते हैं, तो क्या बांधते हैं? तोरण। लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। फिर आगे है, दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं। तो दीपावली पर बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं। सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है। सब जगह क्या है? तो रोशनी ही रोशनी है। दीपावली खाली जगह की रानी है। तो दीपावली किसकी रानी है? त्योहारों की। दिवाली हर साल खाली जगह मास में आती है। तो हमने पढ़ा ना, दीपावली हर साल किस मास में आती है? तो आश्विन मास में। ओके स्टूडेंट्स, फिर है, चित्र देखकर उसके नीचे त्योहार का नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कोष्टक में नाम दिए गए हैं। तो यहाँ और कुछ चित्र, तो हमें सही नाम लिखने हैं। तो ये किसका चित्र है? तो भाई और बहन का। बहन भाई को क्या करती है? राखी बांधती है और भाई उसे गिफ्ट देता है। तो यहाँ ये कौन सा त्यौहार है? तो रक्षाबंधन का। फिर यहाँ पे ये वाले चित्र में सब लोग क्या कर रहे हैं? तो रंग एक दूसरे पे छिड़क रहे हैं। तो वो किसका त्यौहार होगा? तो होली का, क्योंकि होली के दिन हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। फिर ये मस्जिद है, इस चित्र में क्या है? मस्जिद। और ये दोनों लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो ये किसका त्यौहार होगा? ईद का। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये वाला चित्र, ये वाले चित्र में सब लोग क्या कर रहे हैं? तो एक दूसरे पे चढ़ के मटकी फोड़ रहे हैं। तो ये वाला त्यौहार किसका होगा? जन्माष्टमी का। फिर ये वाला चित्र, ये वाले चित्र में दो लोग क्या कर रहे हैं? तो गरबा खेल रहे हैं। तो ये त्यौहार किसका होगा? नवरात्र का। फिर ये वाले चित्र में क्या क्या है? तो क्रिसमस ट्री है। तो क्रिसमस ट्री कब होती है, कौन से त्यौहार में? तो क्रिसमस। तो ये क्रिसमस का त्यौहार है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले त्योहारों के नाम चित्र देख के आपको लर्न करने हैं और हिंदी और अंग्रेजी नाम भी नोटबुक में लिख के लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।